नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उमरिया जिले में विगत 5 दिनों पहले सरकार के द्वारा डीजल पेट्रोल एवं गैस के दामों में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन आज फिर डीजल पेट्रोल के दामों को बढ़ाया गया, जिसके चलते लोग परेशान हैं एवं इस विषय पर चिंता जाहिर करते हुए जिले वासियों ने बताया कि डीजल पेट्रोल एवं गैस के दाम बढ़ने से लोगों को परेशानियों से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं इसके पूर्व में भी अनेकों बार डीजल पेट्रोल एवं रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी की गई थी एवं वो लगातार डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिससे पूरे मुल्क के लोगों पर प्रभाव पड़ा है एवं दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन पर भी गहरा असर पड़ा है और जिसके चलते महंगाई भी चरम सीमा पर है। ज़्यादातर इसमें गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोग भी प्रभावित होते हैं। इससे मौजूदा सरकार सवालों के घेरे में है, जहाँ सरकार को चाहिए कि बढ़े हुए दामों कम करे, जिससे नागरिक परेशान न हो। अभी कोरोना के चलते नागरिकों की अर्थव्यवस्था पहले से ही खराब चल रही है और डीजल पेट्रोल एवं रसोई गैस के अचानक बढ़े हुए दामों ने उन्हें और भी परेशान कर दिया है। वहीं नागरिकों की सरकार में यह मांग है कि बढ़े हुए दामों को जल्द से जल्द कम करें। रिपोर्टर शंकर सिंह उमरिया। जैसा कि अभी आपने देखा कि डीजल पेट्रोल के दामों में बहुत ही कम बढ़ोतरी हुई है, 50 पैसा और 76 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और सिलेंडर में 50 रुपए। इस समय देख रहे हैं कि वर्ल्ड में यूक्रेन और रूस का जो भारी विरोध चल रहा है, आपस में जंग चल रही है, उस सिलसिले में कच्चा माल आ नहीं पा रहा है और भारत शासन उसके बाद भी डीजल पेट्रोल में बहुत कम बढ़ोतरी कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये आम जनमानस के ऊपर कोई ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। और लगभग आप देख रहे हैं अभी डीलरों के ऊपर उन्होंने 24 रुपये बढ़ाया, लेकिन आम जनता के ऊपर उन्होंने 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं की। आज हमारे देश में जब से कोरोना काल चालू हुआ है, उस टाइम से देश में महंगाई जो है आसमान छू रही है, लोगों का जीना बेहाल है। इतनी महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि लोगों को चलना फिरना बड़ा दुर्लभ हो गया है। इन तमाम भारी से भारी कठिनाइयों को सामना आज इन महंगाई, इन डीजल पेट्रोल के कीमतों पर अगर अंकुश शासन के नहीं लगते हैं, अगर इसको नहीं रोका जाता है, महंगाई को नहीं घटाया जाता है, तो लोगों को जीना बड़ा मुश्किल होगा। लोग बहुत ज्यादा परेशान है, अभी एक तो कोरोना से घर कर आए और इतना ज्यादा पेट्रोल महंगा हो गया है, हम लोग छात्र हैं, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, अब आपकी भी इतनी बोली है इनकम की पूरी कर पाए, तो निवेदन है कि जल्दी से जल्दी पेट्रोल को कम करवाया जाए, हम लोग बहुत परेशान हैं। पेट्रोल डीजल और गैस की जो इनके रेट में जो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, इससे हम सब लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है और जितनी भी गृहिणी है या जो भी वर्किंग वूमेन है उनके लिए स्पेशली भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि गैस सिलेंडर वगैरह इनके रेट इतने ज्यादा हाई हो रहे हैं और 1-2 महीने से ज्यादा चलते नहीं, तो जो इनकम जिनकी अच्छी इनकम है वो तो जैसे तैसे एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है या बहुत पुअर क्लास है उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और हम चाह रहे हैं कि अब जो गवर्नमेंट है इस चीज पे बहुत ध्यान दे और हम लोगों की जो समस्याएं बढ़ती जा रही है इन बढ़ती दरों के कारण, इस पर विशेष ध्यान दें और इसको व्यवस्थित करें सब लोगों की लाइफ। अभी तकरीबन कई दिनों से डीजल पेट्रोल की जो हम बस वालों को या ट्रक वालों को डीजल का कुछ महंगाई का सामना कम करना पड़ रहा था, सरकार ने अभी 2-4 दिनों से डीजल पेट्रोल में फिर मूल्यता वृद्धि करना चालू कर दिया है और जिससे व्यापार, पहले भी कोरोना काल के कारण व्यापार में कोई न दम बचा न खम बचा, वो तो केवल जीवन यापन का एक माध्यम है लोगों का व्यापार, और व्यापार को चलाते रहने के लिए अगर डीजल पेट्रोल का ये बेहतर बढ़ोतरी होती जाएगी तो उससे हमको बहुत लंबी क्षति होगी और लंबी क्षति होने के कारण हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे, हमारे बस के व्यवसाय को चला पाना मुश्किल होगा। मैं सरकार से यही मांग करूंगा या उनसे गुजारिश करूंगा कि डीजल पेट्रोल के मूल्य को एकदम सीमित मात्रा में रखें, दायरे पे रखें, जिससे आर्थिक नुकसान ना हो, न भाड़े की कोई बढ़ोतरी हो पा रही है, न किराए में कोई बढ़ोतरी हो पा रही है, नेसेसरी दबाव बनता है ऑपरेटरों के ऊपर, सरकार को टैक्स भी देना है, रोड टैक्स भी पेड करना है, इस कारण से अगर डीजल इस तरह बढ़ता चला गया तो हम लोग किसी लायक नहीं बचेंगे, व्यापार के लायक तो बचे ही नहीं, क्योंकि डीजल और पेट्रोल ट्रांसपोर्टिंग का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब डीजल और पेट्रोल महंगा होता है तो उसके कारण जो खाद्य पदार्थ हैं
जो बेसिक नीड्स की चीजें हैं, जो रोटी कपड़ा है, जो मकान है, मकान का जो मटेरियल्स है, जो भी है, सारी चीजें सब ट्रांसपोर्टिंग पर निर्भर है। टोल के दाम बढ़ने से सारी चीजों के दाम बढ़ते हैं, जिससे लोगों का जीवन प्रभावित होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है और एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है ये लोगों के लिए। तो निश्चित रूप से इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो सरकार है, सरकार से मेरी अपील है कि इन महंगाइयों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसी योजना बनाए जिससे डीजल और पेट्रोल के दाम घटें, ताकि लोगों को राहत मिले। व्यक्त की जा रही थी कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद डीजल, पेट्रोल, गैस और सारे खाद्य सामग्री और चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। ठीक वैसे ही हुआ। आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूर्व में ही इस बात का खुलासा किया था कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल बढ़ा है, तो निश्चित रूप से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, और वही हुआ। लेकिन सरकार ये कहती रही कि कंपनियां सरकार के अधीनस्थ नहीं है, रेट बढ़ाना घटाना उनके हाथ में है। लेकिन ऐसा नहीं है, सारा कुछ सरकार के हाथ में है। केंद्र सरकार ने ही के इशारे पर ही जब तक चुनाव रहे, एक नए पैसे डीजल पेट्रोल के नहीं बढ़े, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, उसके 3-4 दिन बाद डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, और लगातार 2-3 दिनों से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, इससे पूरे देश में हाहाकार मच गया। बड़ी विषम परिस्थिति है, और ये लोग ये सोचने में मजबूर हैं कि अगर यही हालत रही तो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने से और भी सारे सामग्रियों के रेट बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग के कारण डीजल का जो रेट बढ़ा उससे ट्रांसपोर्टिंग का रेट बढ़ेगा, टिकट बढ़ेंगे, और हर आदमी, हर जनमानस इसके लिए परेशान है। सरकार को चाहिए कि तत्काल डीजल और पेट्रोल पर रोक लगाए। जिस तरीके से अभी सारा कुछ रुका हुआ था, उसी तरीके से डीजल पेट्रोल होता रहे, गैस सिलेंडर के दाम कम हो, खाद्य सामग्रियों के दाम कम हो, दवाइयों के दाम कम हो, प्रतिदिन किसी न किसी के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, इस पर तत्काल